आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस तरह का लोगो डिजाइन करना, तो वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है, मैं हूं प्रकाश और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अपना न्यू पेज ओपन कर लिया है और सबसे पहले टूल बॉक्स में से पॉलीगॉन टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में इस प्रकार से एक शेप बना लेते हैं लगभग यहाँ तक, और पिक टूल लिया और हैंड टूल के लिए एज प्रेस करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे एक टूल, और यहाँ से मैं इसका कॉर्नर को मैं घटा देता हूँ, यानी कि ट्रायंगल बनाऊंगा तो 3 डालूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। इस तरीके से बन जाएगा। सेलेक्ट आते हुए शिफ्ट के साथ में इस प्रकार से ड्रैग करना है यहाँ तक, राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, फिर से टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, मैंने इधर भी कवर करना है। फिर से टूल बॉक्स में से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ डिलीट कर देते हैं, पिक टूल कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से मैंने वेल्ड कर देना है। सिलेक्ट रहते हुए ट्रांसफॉर्म को ओपन करना है, उसके लिए ऑल टैब 7 प्रेस करेंगे, मैंने पहले से ओपन करके रखा है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और ये तीसरा नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे और कॉपीज में 1 करेंगे और उससे पहले वर्टिकली यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। शिफ्ट के साथ में ऊपर वाले पार्ट को भी हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड कर देते हैं। अब फिर से ट्रांसफार्म में जाएंगे और ये रोटेशन वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एंगल में 120 और कॉपीज में 2 करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, बाहर क्लिक डिसलेक्ट। अब फिर से टूल बॉक्स में से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले पार्ट को मैंने, यानी कि लाइन को मैंने डिलीट कर देना है इस तरह से, इधर वाले लाइन को भी मैंने डिलीट कर दिया। पिक टूल कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा, बाहर क्लिक डिसलेक्ट। टूल बॉक्स में से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3 टूल है, इसमें से स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिफॉल्ट कलर फिलहाल के लिए अप्लाई कर देते हैं। पीक टूल इस पर और एक बार क्लिक करेंगे, इस तरह का आपको छोटा सा सर्कल दिख जाना है, ये एंकर पॉइंट है, इसको ड्रैग करेंगे और सेंटर में डालेंगे, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, फिर से ये वाले पार्ट को डबल क्लिक करेंगे और इस वाले सर्कल को यहाँ पर डाल देते हैं, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, कोई भी एक लाइन में क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा और राइट क्लिक करेंगे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, यहाँ से डिलीट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से मैं इसका आउटलाइन को रिमूव कर देता हूँ, यानी कि नन कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में से जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से हम ड्रैग करेंगे इस तरह से, और ब्लैक कलर मैंने साइड में अप्लाई कर देना है इस तरह से, और इधर भी मैंने ब्लैक कर देना है और मिडिल में मैं रेड कलर अप्लाई करूंगा इस तरह से, और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको ड्रा करेंगे इस प्रकार से, इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं जितना हमें सही लगे, लगभग सही है, और थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं, लगभग ठीक है इस तरीके से, लगभग सही है, बाहर क्लिक, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर भी सेम करेंगे इसी प्रकार का, इस तरह से यहाँ भी मैंने ब्लैक कर देना है इस तरह से, इधर भी ब्लैक अप्लाई करूँगा और मिडिल में मैं ब्लू कलर अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से, इसको ड्रैग करके हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीका से, आप देख लीजिए जितना हमें सही लगे आप अपना एडजस्ट कर लीजिए, बाहर क्लिक, फिर से पिक टूल लिया, ये वाला पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म को यहाँ से मैंने ओपन करना है और रोटेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एंगल में 120 और कॉपीज में 2 यहाँ से अप्लाई करेंगे इस तरह से, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, फिर से रेड वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे, इस तरह से ये बन जाएगा। फिलहाल के लिए मैं ट्रांसफॉर्म को यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल जी करेंगे, सिलेक्ट और ग्रुप करने के लिए पी प्रेस करेंगे, मिडिल में आ जाएगा, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, इस प्रकार से बन करके रेडी हो जाना है। मेनू बार में जाएंगे और व्यू में क्लिक करेंगे और पेज से पेज बॉर्डर को फिलहाल के लिए डिसेबल कर देते हैं और F9 प्रेस करेंगे, इस तरह से ये दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं,
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आने वाले वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।